पहुंचने वाली है। ये महोदय जी आ रहे हैं, हमारे विधायक महोदय जी हैं, जिलाधीश महोदय जी, तो देखिए आप लोग मुझे कोई लिखित दे दीजिए कि क्या कहते हैं, मैं इस शहीद को ना ओकील कुमार बिंद शहीद हुए हैं छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में, तो मैं इनको गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा हूँ, श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। तो आप लोग जब एक क्योंकि मौजवानी वाला काम ना, कि क्योंकि इस दुखद घड़ी में आप लोग तो अभी हैं, ये अभी तो चले जाएंगे, तो दो घंटे चार घंटे 36 घंटा हो गया, कोई दिखाई नहीं दिया। रहेंगे बताइए, अभी गार्ड ऑफ ऑनर दे के आप लोग चले जाएंगे, ढेला खत्म, इसके बाद कोई नहीं दिखाई देगा। माननीय कप्तान महोदय जी से हमारा अनुरोध है कि उनको बुलाया जाए और मुझे वकील विनोद रामा जी को शहीद की उपाधि दी जाए, क्योंकि कम से कम ज्ञानपुर विधानसभा का नाम रोशन होगा, भदोही जिले का लाल का नाम रोशन होगा, नाम अभी भी रोशन हुआ है, सबको पता चला ये बात। पता चलने से थोड़ी हो जाए, पता चलने से थोड़ी हो जाए, शाम को पता चला। 48 घंटे कहाँ थे? अरे होता तो इतना देर लेट लगते क्या? घंटे कहाँ थे? सब लोग शांत रहो, एक लोग कहाँ थे? घड़ी है, खुशी घड़ी नहीं है, बात हो रही है तभी तो। और जो लोग बाबूजी जो लोग गाड़ी लेके आए हैं, उन लोगों से आप पूछ लीजिए, शहीद का दर्जा नहीं मिला है। मैं वहाँ के हेडक्वार्टर से आपके हमारे कप्तान जी भदोही जिले कप्तान जी हेडक्वार्टर से बात करें कि शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला, और क्यों? क्योंकि मैं जब यहाँ से बच्चों को भेजा था तो मैं ड्यूटी करने के लिए भेजा था, वहाँ पर गुल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं भेजा था, नक्सलियों से लड़ने के लिए भेजा था। तो नक्सलियों के हमले से या शहीद हुआ हो, मैं तो ड्यूटी के लिए भेजा था ना, तो वह शहीद हुआ हो या लड़ के मरा हो चाहे गिर के मरा हो ना, लेकिन उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जब तक शहीद का दर्जा नहीं मिला तब तक हम बाड़ी इसको ऐसे ही रख देंगे, क्योंकि आप जब हमारे कप्तान महोदय जी आएंगे वहाँ के हेडक्वार्टर से बात करेंगे, तभी हम इस बाड़ी को रिसीव करेंगे और बाड़ी का अंतिम दाह संस्कार करेंगे।